वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चीन के वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात के बारे में अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा पाक भारत कशीदगी से मुतल्लिक भी तफसीली गुफ्तगू की गई। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के खसूसी दौरे पर आने वाले चीन के वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अहम मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से मौसूल होने वाली तफसीलात के मुताबिक चीन के वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस का खसूसी दौरा किया। इस दौरान चीन से आने वाले मेहमान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की और इस दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान कई अहम मामलों पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान पाक चीन ताल्लुकात के बारे में भी मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि पाक भारत हाया कशीदगी से मुतल्लिक भी तफसीली गुफ्तगू की गई। वाज़ह रहे कि यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब पाकिस्तान और भारत जंग के दहाने पर खड़े हैं। इससे पहले चीन के वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी खसूसी मुलाकात की थी। इस मुलाकात के हवाले से बताया गया था कि चीन और पाकिस्तान ने दफाई तआवुन के हवाले से एक नया मुआहदा कर लिया है। इस मुआहदे को भारत की जानिब से कश्मीर की हालिया सूरत हाल और हालिया कशीदगी के तनाजुर में देखा जा रहा है। भारत में ये रोना धोना किया जा रहा है कि चीन ने पाकिस्तान से जो दफाई मुआहदा किया है, इस मुआहदे के तहत अगर पाकिस्तान और भारत की जंग होती है तो चीन पाकिस्तान को भरपूर मदद फराहम करेगा।